हेलो फ्रेंड्स दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आरबीआई ग्रेड बी का सोशल इश्यूज सेक्शन सोशल इश्यूज एग्जाम पैटर्न के अंदर कहां पर फिट होता है उसका क्या सिलेबस है जो चैप्टर्स मेंशन करे गए हैं सिलेबस के अंदर उन चैप्टर्स के माइक्रो टॉपिक्स क्या क्या हैं जो सिलेबस मेंशन करा गया है उससे रिलेटेड क्या प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम के अंदर ये सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ कवर करने वाले हैं दोस्तों सो so, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे ईएसआई का सिलेबस देखेंगे सोशल इश्यूज़ के चैप्टर का माइक्रो टॉपिक ब्रेकडाउन देखेंगे उसके बाद जो 2022 आरबीआई ग्रेड बी का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या थे एंड जो सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न को दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि जो पेपर वन है उसका टाइटल है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज इस पेपर के अंदर 50 परसेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे 50 परसेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे राइट right? और जो दोनों सेक्शंस का जो वेटेज है वो इक्वल है फिफ्टी फिफ्टी वेटेज है दोस्तों कुल मिला के आपके पास 120 मिनट्स यानी कि दो घंटे का समय रहेगा तो जो भी आपका सोशल इश्यूज़ का रेलेवेंस है वो इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर सबसे ज्यादा है थोड़ा सा और रेलेवेंस आपको देखने को मिल सकता है सोशल इश्यूज़ का वो है जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं दोस्तों पेपर टू के अंदर भी हल्का सा वो आपको काम आ सकता है डेफिनेटली इंटरव्यू के अंदर भी आपको काम आ सकता है तो सोशल इश्यूज़ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन बन सकता है एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी और एक अनसक्सेसफुल स्ट्रैटेजी के अंदर क्योंकि क्वेश्चन तो आपको सारे आंसर करने रहेंगे और मार्क्स आपको सारे निकालने रहेंगे तो ESI का अगर आप सिलेबस देखेंगे फॉर ग्रेड बी फेज टू तो इस साल जो पैटर्न के अंदर आ, थोड़ा सा जो मॉडिफिकेशन करा गया है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो जो सोशल इश्यूज का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया जो है जो स्टेटेड सिलेबस है एज़ पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर 2023 एग्जामिनेशन उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कई सारे चैप्टर जो कि पहले मैंशन करे गए थे जैसे हेल्थ हो गया एजुकेशन हो गया सोशल मूवमेंट हो गया इंडियन पोलिटिकल सिस्टम हो गया उन चैप्टर्स को अब यहाँ पर से हटा दिया गया यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सिलेबस को ऑन पेपर घटा दिया गया है तो एज ऑफ नाउ जो हमारे सामने सिलेबस है उसके अंदर हम बात करेंगे मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में डेमोग्राफिक ट्रेंड्स के बारे में अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन के बारे में हम बात करेंगे जेंडर इश्यूज सोशल जस्टिस के बारे में हम बात आपके साथ करने वाले हैं और जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं जिन्हें रिमूव कर दिया गया है उन टॉपिक्स का क्या रेलेवेंस है और उन टॉपिक से रिलेटेड आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करा जाएगा सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में तो जो मल्टीकल्चरलिज्म है उसके अंदर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको ये वाले पॉइंटर्स के ऊपर काम करना चाहिए आप अपने नोट्स के माध्यम से कर लीजिए किसी और के नोट्स के माध्यम से कर लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन के नोट्स को यूज कर लीजिए आप जैसे सही समझे आप उसको कर लीजिए बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि मल्टीकल्चरलिज्म का आपको पूरा डेफिनेशन मालूम होना चाहिए दो तीन स्कॉलर्स द्वारा दिए गए डेफिनेशन आपको मालूम होने चाहिए याद होने चाहिए ताकि आप उन्हें एग्जाम के अंदर जल्दी टाइप कर सके और मल्टीकल्चरलिज्म के क्या एग्जाम्पल्स हैं इंडिया एज वेल एज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर से वो अगर आप थोड़ा सा साइट कर पाए बहुत ज़्यादा नहीं दो तीन एग्जाम्पल अगर आप साइट कर पाए मल्टीकल्चरलिज्म के वेरियस सिविलाइजेशन के अंदर वेरियस कंट्रीज के अंदर तो बहुत अच्छा होगा उसके बाद कुछ मॉडल्स हैं मल्टीकल्चरलिज्म के जैसे फॉर एग्जाम्पल लिबरल मॉडल हो गया प्लूरलिस्ट मॉडल हो गया कॉज्मोपोलिटिन मॉडल हो गया तो मैं इसके अंदर वापस से आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स हैं तो आप एक प्रकार से एक बेसिक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग मल्टीकल्चरलिज्म उसका कंटेक्सट क्या है उसका मीनिंग क्या है उसके लाइव uh, एग्जाम्पल्स क्या है जो आज की दुनिया के अंदर देखे जा सकते हैं तो अगर इतना आपके पास रहेगा तो कोई भी आंसर की भूमिका बांधने के अंदर कोई भी आंसर का कंटेक्सट सेट करने के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों राइट right? अभी किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर जहां पर मल्टीकल्चरलिज्म देखा जाता है वहां पर उससे एसोसिएटेड कुछ एडवांटेजेस पैदा होते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस पैदा होते हैं एडवांटेजेस ये हो सकते हैं रिलेटेड टू इनोवेशन एडवांटेजेस हो सकते हैं रिलेटेड टू डाइवर्सिटी एडवांटेजेस ये हो सकते हैं रिलेटेड टू वेरियस डिफरेंट थॉट प्रोसेस कमिंग टूगेदर राइट right? तो अब जैसे इंडिया देश है दोस्तों उसके अंदर मल्टीकल्चरलिज्म के क्या एडवांटेजेस हैं तो स्पेसिफिकली आपको पाँच छः प्रकार के एडवांटेजेस पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ज्यादा नहीं एंड उससे एसोसिएटेड डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस क्या है दोस्तों डिसएडवांटेजेस से ज्यादा बेटर मैं बोलूंगा दोस्तों चैलेंजेस डिसएडवांटेजेस तो कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है दोस्तों की अगर डाइवर्स लोग साथ में रहें तो उससे कोई डिसएडवांटेज हो सकता है लेकिन उससे एसोसिएटेड कुछ चैलेंजेस होते हैं कि अगर मल्टीकल्चरलिज्म को हम सही ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं राइट right. तो उसकी वजह से क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए तो मान लीजिए इससे रिलेटेड अगर पांच पॉइंट आपको मालूम है और इससे रिलेटेड पांच पॉइंट आपको मालूम है राइट right? और हर एक पांच पॉइंट के ऊपर आप दो तीन लाइन तीन चार लाइन टाइप करने की क्षमता डेवलप कर लेते हैं देन यू आर गुड टू गो इन माई ओपिनियन दोस्तों उसके अलावा इंडिया के अंदर मल्टीकल्चरलिज्म तो है ही वेरियस वेरियस प्रकार का आपको जो है डायवर्सिटी देखने को मिलेगा लिंग्विस्टिक डायवर्सिटी देखने को मिलेगा आपको रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा आपको रिलीजियस डायवर्सिटी देखने को मिलेगा आपको जो है यू uh, नो you know, uh, वेरियस डायमेंशनस के ऊपर आपको जो है डाइवर्सिटी uh, देखने को मिलेगी उसका मैनिफेस्टेशन है डांस फॉर्म्स के अंदर म्यूज़िक फॉर्म्स के अंदर डाइट के अंदर क्जीन के अंदर वेरियस प्रकार के स्पोर्ट्स के अंदर तो जो इंडिया के अंदर जो मल्टीकल्चरलिज़म है उसको हम कैसे हैंडल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मल्टीकल्चरलिज्म को कैसे सपोर्ट करने के अंदर कैसे नर्चर करने के अंदर हेल्प करता है जो हमारा फेडरल पोलिटिकल स्ट्रक्चर है वो मल्टी को कैसे जगह देता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो हमारी भावना है वो मल्टीकल्चरलिज्म के साथ कैसे एसोसिएटेड है ये सारी चीजों के बारे में आपको आइडियाज होने चाहिए दोस्तों तो कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरलिज्म खासकर के बारे में अगर आपको मालूम है कि हाँ पांच से छह पॉइंट क्या है मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट करने जैसे या फेडरलिज्म के पांच पांच से छह पॉइंट्स क्या है कि फेडरलिज्म कैसे मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट करने लग रहा है कैसे उसको मैनेज करने के अंदर मदद करने लग रहा है तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल उसके अलावा जो एसोसिएटेड इशूज है रिलेटेड टू मल्टीकल्चरलिज्म सच एज रीजनलिज्म हो गया माइनॉरिटी राइट्स हो गया कम्युनलिज्म हो गया सेकुलरिज्म का चैलेंज हो गया इनके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए लगभग आधा आधा एक एक पेज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए तो अगर आप श्योर शॉर्ट तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तैयारी करना चाहते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकें तो यह वाला जो मल्टीकल्चरिज्म का जो चैप्टर है उसको आप इस माइक्रो माइक्रोटॉपिक जो मैंने आपको बताया इनके हिसाब से आप उसे ब्रेक डाउन करिए और ब्रेक डाउन करने के बाद अगर आपने लगभग तीन चार घंटे की भी आपने तैयारी कर ली रिलेटेड टू मल्टीकल्चरलिज्म तो आप यह मान सकते हैं कि आपने अच्छी तैयारी कर ली बस मेरा आपको एक ही सजेशन है जो कि मैं बार 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 रिपीट करूंगा इस वीडियो के अंदर कि जो भी चैप्टर आपने कंप्लीट करा उसकी आप समरी बनाइए और और उस समरी को जो है आप टाइप करने का प्रयास कीजिए राइट ये दोनों चीजें करने की वजह से जो एग्जाम के अंदर आपका डिलीवरेबल है वो इंप्रूव हो जाएगा जो इनपुट आपने लिया है इन द फॉर्म ऑफ स्टडीज वो आउटपुट के अंदर कन्वर्ट होएगा इन द फॉर्म ऑफ टाइप्ड आंसर्स जो कि हमारे एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों राइट right. अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों कि थोड़ा ट्रेंड्स के बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए वैसे तो देखिए दोस्तों डेमोग्राफिक ट्रेंड्स के ऊपर हम महीना दो महीना चार महीना छह महीना पढ़ लेंगे लेकिन उतना हमारे पास समय नहीं है तो बेसिक चीज हमें ये मालूम होनी चाहिए जो हमारा कंपोजिशन है पॉपुलेशन का ऑन रूरल अर्बन लाइंस लिंग्विस्टिक लाइंस रिलीजियस लाइंस एज लाइन्स सेक्स लाइंस लिटरेसी के हिसाब से ऑक्यूपेशन के हिसाब से हमारे पॉपुलेशन का क्या कंपोजिशन है ये आपको बहुत ही क्लियर तरीके से मालूम होना चाहिए अगर ये आपको क्लियरली मालूम है तो इसको आप ये प्रकार की इंफॉर्मेशन को आप कोई भी जो एग्जाम के अंदर कोई भी और क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करने लग रहे हैं या आप ऐसे दिखने लग रहे हैं आप इंटरव्यू के अंदर जवाब देने लग रहे हैं तो आपके पास अगर ये डेटा रहता है दोस्तों तो आप उस डेटा को साइट करके अपने एग्जाम के अंदर आंसर को मजबूत कर सकते हैं हैं। तो ना केवल डेमोग्राफिक ट्रेंड्स का आप आंसर टैकल करने के लिए तैयार हो जाएंगे बट जो वेरियस अन्य प्रकार के जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको भी आप टैकल करने की जो है बेहतर तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का अच्छा डेटा है तो एसोसिएटेड इशू ये है दोस्तों डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने पढ़ा ही होगा अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिए इसके ऊपर आपके पास रहना चाहिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जस्टिफाई करा जा सकता है डेमोग्राफिक डिविडेंड को नर्चर करने के लिए क्या प्रकार की पॉलिसीज होनी चाहिए क्या प्रकार की पॉलिसीज है क्या प्रकार की पॉलिसीज जो है उनके शॉर्टकमिंग्स क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है दोस्तों तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए रिलेटेड टू डेमोग

को कदम उठाने चाहिए ताकि उस स्ट्रेटेजी को हम सक्सेसफुल बना सके तो जैसे मैंने आपको के का प्रयास करना चाहिए तो एटलीस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जी मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड या, या फिर स्क्यूड जेंडर रेशियो जो है इंडिया के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन के अंदर जो महिलाओं की संख्या है लड़कियों की संख्या है बच्चियों की संख्या है राइट right? तो उसका डेफिनेशन क्या है डेटा क्या है कम हुई है तो क्यों कम हुई है कहाँ कम हुई है हमारी पॉलिसी क्या है ताकि वो जो जेंडर रेशियो वो खराब ना हो जाए और जो हमारी पॉलिसीज है उनकी शॉर्टकमिंग्स या उन शॉर्टकमिंग्स को कैसे निकाला जाना चाहिए तो कोई भी टॉपिक अगर आप तैयार कर रहे हैं और आपके पास ये लेवल की इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको बताई इन स्टेजेस के अंदर इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कोई भी और क्वेश्चन को भी टैकल करना पॉसिबल हो जाता है अगेन बात यह है कि इनपुट तो आपने ले लिया उसको आपको आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करना है तो जो इनपुट से आउटपुट जाने का रास्ता है उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से जो है टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है समरी बनानी है और समरी को खुद से बिना देखे बिना नोट्स के माध्यम से बिना टेक्स्ट बुक खोले बिना गूगल खोले आपको अपने मन के अंदर से जो है टाइप करना आना चाहिए एट अ वेरी फास्ट रेट ऑफ ट्वेंटी टू वर्ड्स पर मिनट तो अगर आप बाईस वर्ड्स पर मिनट टाइप कर सकते हैं तो आप बहुत अच्छी एग्जाम के अंदर जो है आंसर्स लिखकर आ पाएंगे आज के दिन आप भले दस वर्ड पर मिनट टाइप करो पांच वर्ड पर मिनट टाइप करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है बट डेली अगर आप टाइप करने लग रहे हैं और डेली थोड़ा 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 स्पीड कॉन्फिडेंस और डिलीवरी के अंदर इंप्रूवमेंट आने लग रहा है तो आपका एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा एज कंपेयर टू विदाउट एनी प्रैक्टिस दोस्तों दो टॉपिक बड़े हैं अर्बनाइजेशन लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था मैं दिखाऊंगा आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो की क्या क्वेश्चन आया था तो अर्बनाइजेशन बड़ा टॉपिक है दोस्तों उसका पूरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन मैंने आपके सामने रखा है कि अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है अर्बनाइजेशन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं अर्बन एरिया जो है सेंसस टाउन्स कौन से होते हैं स्टेचुटरी टाउन्स कौन से होते हैं उन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं जो वेरियस ट्रेंड्स है जैसे सबर्ब पैदा हो रहे हैं जैसे मुंबई के आजू बाजू में सबर्ब है दिल्ली के आजू बाजू में सबर्ब है कोलकाता के आजू बाजू में सबर्ब है तो सब सब अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है सब अर्बनाइजेशन क्यों पैदा होता है सब अर्बनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है सब अर्बनाइजेशन को हमारे को कैसे हैंडल करना चाहिए अर्बन रिन्यूअल हमारे कई सारे शहर पुराने हो चुके हैं उन पुराने शहरों के अंदर हमारे को कैसे प्रकार के पॉलिसी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो वहाँ पर सुख सुविधाएं हैं जो वहाँ पर साधन संसाधन है उसके अंदर जो है हम इम्प्रूवमेंट करवा कर ला कर दे सकें तो ये सारी चीजों के ऊपर हमारे को जो है उसके अंदर काम करना चाहिए दोस्तों जेंट्रिफिकेशन राइट तो उसके बारे में बात होनी चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमारे सोसाइटीज़ के अंदर क्या प्रकार से डिविजन होने लग रहा है क्या प्रकार से घेटोज बनने लग रहे हैं क्या प्रकार से जो है विजिबल इनविजिबल वॉल्स क्रिएट होने लग रही है जो कि रिच और पुअर को डिवाइड करने लग रही है वन सेक्शन वन वन स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को डिवाइड करने लग रही है फ्रॉम अदर सेक्शन या अदर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमारे को बात करनी चाहिए मेगापोलिट सिटीज जो हमारी बनने लग रही है मेगापोलिस जो बनने लग रही है उसके बारे में भी हमारे पास जानकारी होनी चाहिए ये सारी जानकारी इकट्ठा करते करते आपका बेसिकली जो इंडिया के अंदर जो ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन है वो

उसी प्रकार से माइग्रेशन बड़ा टॉपिक है दोस्तों तो डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स रीजंस कंसिक्वेंसेज सोशल चेंज कोविड नाइनटीन एज वेल एज मेजर्स टू एड माइग्रेंट्स इन इंडिया क्या है हर एक हर एक चीज के ऊपर हर एक इस बुलेट पॉइंट के ऊपर अगर आपके पास चार चार पांच पांच पॉइंट भी है आधा आधा पेज भर भी अगर आपने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है राइट right, तो आप एक सही डायरेक्शन के अंदर जाने का प्रयास कर सकते हैं मैं आपको हर एक माइक्रो टॉपिक या हर एक टॉपिक के ब्रेकडाउन के अंदर एक ही चीज के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फोसिस देने लग रहा हूँ वो है डेटा राइट गवर्नमेंट की स्कीम्स राइट right, कोई रिपोर्ट अगर उससे रिलेटेड आई है तो वो क्योंकि इससे क्या होगा ना दोस्तों कि ये वाली जो चीजें हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर भी पूछी जा सकती है और इसी के माध्यम से जो है आपका जो एक्चुअल आंसर है जो आपका सब्जेक्टिव आंसर है उसको भी आप स्ट्रेंदन कर सकते हैं तो दोनों ही प्रकार की चीजें आपके लिए पॉसिबल हो जाती है जेंडर इश्यूज बहुत बड़ा टॉपिक है क्वेश्चन आप किसी भी साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपने नहीं तैयार करा इस टॉपिक को तो डेफिनेटली तैयार करिए कि जेंडर इनक्वालिटी का डेफिनेशन क्या होता है क्या प्रकार से होता है उसके इफेक्ट्स क्या है इंडिया के अंदर जेंडर इशूज से रिलेटेड बहुत सारे इशूज है जैसे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर औरतों की जो पोजीशन है वो होती है डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज के बाप बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए डाउरी माइग्रेशन सेक्शुअल वायलेंस वर्क प्लेस हरासमेंट या वर्क प्लेस टेचर ऑफ वूमन तो ये जो भी हमारे टॉपिक्स है हर एक टॉपिक के अंदर जैसे हमने प्रीवियस अभी डिस्कशन करा था कि पांच लेवल तक आप जाने की कोशिश करिए कि डाउरी का डेफिनेशन क्या है डाउरी के कॉजेज क्या है डाउरी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डाउरी को मिटिगेट करने के लिए सरकार ने क्या प्रकार के स्टेप्स उठाएं उन स्टेप्स की क्या कमजोरी है और क्या प्रकार के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि डाउरी के प्रॉब्लम को जो है हम जड़ से उखाड़ हमारे समाज में से खत्म कर सकें कोई भी आप टॉपिक उठाएंगे ये लेवल का एनालिसिस अगर आप कर लेंगे ना और ये अगर आप सपोज ऐसे राइटिंग भी कर रहे तो ये पांच लेवल का एनालिसिस करके अगर आपने ऐसे लिख दिया सिस्टमैटिक तौर पे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो बहुत शानदार ढंग से आपकी सारी चीजें तैयार हो जाएंगी मेजर्स क्या है अगेंस्ट इंडर इन इन इंडिया तो क्या प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लिए गए हैं लीगल मेजर्स लिए गए हैं पॉलिसी के मेजर्स लिए गए हैं ये सारी चीजें आपको बतानी आनी चाहिए सेंसस दो आखिरी सेंसस था उसके बाद हमारे पास कोई डेटा आया नहीं है तो रिपोर्ट्स एटसेट्रा के माध्यम से जो डेटा मिल रहा है वो और सेंसस दो का जो इंपॉर्टेंट डेटा

Uh, और इकोनॉमिकली सोशल एंड सेक्शन का एक बहुत अच्छा पॉपुलेशन है मेजोरिटी पॉपुलेशन इन ब्रैकेट्स के अंदर चली जाती है अगर आप टोटल मार्के देखेंगे तो सोशल जस्टिस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सोशल इन का रूट कॉजेस क्या है डेटा क्या है उससे रिलेटेड राइट right? जो मार्जिनइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो क्यों मार्जिनलाइज हुए उनकी क्या वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके उन्हें मार्जिनलाइज करा गया तो हर एक से शेड्यूल कास्ट हो जो शेड्यूल ट्राइब हो उनके बारे में आपके पास थोड़ी जानकारी होनी चाहिए हर एक के लिए क्या प्रकार के मेजर्स लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एज वेल एज पॉलिसी ओरियंटेड मेजर्स क्या लिए गए हैं ये आपको बताना आना चाहिए मालूम होना चाहिए आपको उन मेजर्स के आउटकम्स क्या है उन मेजर्स की शॉर्टकमिंग्स क्या है और क्या प्रकार के मेजर्स आगे और लिए जाने चाहिए सारी चीज आपको मालूम होनी चाहिए और अगर कोई सपोज कर लीजिए कंटेप्रेरी इशू चलने लग रहा है जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन

होनी चाहिए अगेन सोशल जस्टिस के अंदर तो हम बहुत सारी स्कीमें भी पढ़ते हैं दोस्तों तो वो सारी स्कीम भी हमारे काम आएगी अगर कोई रिपोर्ट आई है कोई डेटा निकल कर आया तो वो वापस से हमारे काम आएगा एंड अगेन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इनपुट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज आउटपुट क्योंकि इनपुट तो बहुत सारे लोगों के पास रहता है आप आउटपुट कितना एग्जाम के अंदर टाइप करके आ, आ सकते हो उसके ऊपर सारा गेम डिपेंडेंट है तो आप हमेशा प्रैक्टिस करते हुए जो है अपनी तैयारी को आगे लेकर जाइएगा दोस्तों राइट right? अब देखिए मैं आपके सामने जो है 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो तो मैं आपके सामने रख नहीं सकता हूं क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं आधे अधूरे क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन मोटा मोटी टॉपिक्स अच्छे से मालूम पड़ जाते हैं कि हाँ भैया ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव प्रकार के और आप जानते हैं कि हमारे एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता नहीं है पूछता है कहाँ लॉन्च करा था कब लॉन्च करा था कितना फंडिंग दिया है टारगेट बेनिफिशरी कौन है टारगेट बेनिफिशरी कौन नहीं है राइट right, क्या प्रकार के उसके सेलियंट फीचर्स हैं नहीं है ज्यादा से ज्यादा इससे रिलेटेड वो आपको क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये सात टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं राइट ऐसा नहीं है कि यही सेम टॉपिक रिपीट होने वाले हैं, बट इन्हीं प्रकार के टॉपिक्स आने वाले शायद इसमें से कोई इक्का दुक्का टॉपिक रिपीट भी हो जाए राइट right. इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों बट आपको यह समझ में आना चाहिए कि अच्छा स्माइल स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड अगर उस मिनिस्ट्री की स्माइल स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसी मिनिस्ट्री की कोई और स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है स्टैंड अप इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है वन स्टॉप सेंटर कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है तो इस प्रकार से अगर आप मैप करके देखने की कोशिश करेंगे ना कि हाँ ये कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है तो उस मिनिस्ट्री की और अगर कोई नई स्कीम है या कोई सेलियट स्कीम है जो कि न्यूज़ में बहुत ज्यादा रहती है तो अगर उसके आपने तैयारी कर ली तो बहुत अच्छा होगा आप जैसे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एक प्रकार का इंडेक्स है कौन रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक इस प्रकार का और कौन सा इंडेक्स रिलीज करता है जिसके बारे को हटा दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछेगा बिल्कुल उसके ऊपर आपको हंड्रेड क्वेश्चन पूछेगा बट क्वेश्चन आपको शायद सब्जेक्टिव ना पूछे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा करंट अफेयर ओरियटेड प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेगा उसको आपको टैकल करने के लिए तैयार है तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये करता कि ये जो स्कीम है जिन मिनिस्ट्री से रिलेटेड उन मिनिस्ट्री की चार पांच चार पांच इंपॉर्टेंट स्कीम और हर एक स्कीम का जो चार पांच चार पांच इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं कि कब लॉन्च करी कहाँ लॉन्च करी थीम क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है बेनिफिशियरी कौन है सीलियंट फीचर्स क्या है इतना अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा नहीं इतना आपके पास इंफॉर्मेशन है जो कि आपको बार बार में रिवाइज करनी पड़ेगी रिटेन करने के लिए तो आपका काम

क्वेश्चन यही बनकर आएगा दोस्तों चाहे कोई भी डायमेंशन का अंदर कोई क्वेश्चन निकल है चाहे फाइनेंस के पेपर में भी क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स का या इकोनॉमिक्स के अंदर आए या सोशल इश्यूज के अंदर है क्वेश्चन फंडामेंटली आपको यही पूछेगा कि प्रॉब्लम क्या है कैसे टैकल करा जा रहा है उसमें दिक्कत क्या है और उसको कैसे निकालना है फिर आप उसको कोई भी डायमेंशन से उठा लीजिए दोस्तों राइट व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद रूरल एंटरप्रनरशिप हाउ यंग एंटरप्राइजेस कैन दिस प्रॉब्लम्स दोस्तों राइट तो अगेन अर्बन रूरल से रिलेटेड थोड़ा सा एंटरप्रिनरशिप से रिलेटेड है अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन एक्जैक्टली सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड है बट सिंह रूरल के बारे में बात कर रहा था तो मैं सोचा कि आपके सामने यहां पर रख देता हूं दोस्तों राइट तो अगेन आप इसके अंदर यही देख रहे हो कि हमेशा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना वो ये रहने वाला है एज अ पॉलिसी मेकर कि भैया ये चैलेंज इसको कैसे टैकल करना है तो आपको चैलेंज ही अंडरस्टैंडिंग होना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यह था दोस्तों हमारा पूरा डिस्कशन रिलेटेड टू सोशल इश्यूज आपके जो भी कॉमेंट्स हैं आपके जो भी थॉट्स हैं राइट आपने वीडियो को पसंद करा तो लाइक करिए आपको वीडियो पसंद तो शेयर करिए करिए हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब से बात कीजिए दोस्तों अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप जो है आप मेल करिए हमारे आईडी के ऊपर राइट right? और आपको मुझसे भी बात करने का मौका मिल सकता है दोस्तों राइट right? तो मेहनत करिए आउटपुट को जो है ध्यान में रखिए इनपुट से कुछ नहीं होगा आउटपुट से एग्जाम क्लियर होगा तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद दोस्तों